हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ जो आईटीब है यहाँ पर जाके मेरे प्रीवियस वीडियोज आप देख सकते हैं जहां पर मैंने रियल क्लासेस है, लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स है, वैक्टर कैलकुलस है, न्यूमेरिकल क्लासेस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन काफी सारा कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन पर मैं जो वीडियोस हैं वो अपडेटेड डाल रहा हूं, तो मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप मेरे वो आईटी पे जाके देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस वीडियोस। और मैं थोड़ा सा कंटेंट चेंज कर रहा हूं तो इसमें काफी आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें बात करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, कि अगर कोई भी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहे हैं और उसके वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे तो हम यहाँ पे इसके वेरिएबल को रिड्यूस करके सेपरेट कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, पर उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल मेथड आएगा तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। तो सुन वो आईटी पे जाके देख लीजिए, इससे पहले जस्ट मैंने वीडियो अपलोड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि यार एक्चुअली सबसे बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन में स्टूडेंट को ये दिक्कत आती है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा कि यार कौन सा मेथड यूज करना है। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दे रखी है, मान लीजिए जैसे मैं आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा हूँ ये वाली, राइट, आप जानते हो यार एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या फिर मैंने आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस सेवन डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2y प्लस 9 दे रखा है, या फिर मैंने आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली dy by dx is equal to cos x plus y plus sin x plus y, right? तो आप देखोगे यहां पे x और y के वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, पर आप एक चीज यहां पे देख रहे हो कि एक फंक्शन रिपीट हो रहा है, या तो एक बार आ रहा है या एक से ज्यादा। देखो यहाँ पे टू कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आएगा, देखो यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई रिपीट कर रहा है। जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जहां पर एक फंक्शन एक बार आए या एक से ज्यादा बार रिपीट करता है, ऐसे क्वेश्चंस को हम रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से बहुत इजीली कर सकते हैं। जो भी फंक्शन हमारे पास एक बार आ रहा है या एक से ज्यादा बार आ रहा है उसको टी मान लीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म, राइट। कैसे, देखिए आप जैसे हमारे पास यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर ये कि जो भी फंक्शन हमारे पास एक बार आ रहा है या एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे वी मान लेंगे या टी जो भी आपको मानना है वो मान लीजिए, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, देखिए आप मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर इसको सॉल्व करना है तो मैंने आपको बोला कि जो भी हमारे पास आ रहा है रिपीट हो रहा है उसको टी मान लीजिए, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई हमारे पास एक बार आ रहा है इसको टी मान लीजिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसका वन हो जाएगा और वाई का होगा हमारे पास डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ये डी टी बाई डी एक्स। तो सर हम जानते हैं हमारे पास dy by dx की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी स्विन dt by dx minus 1 स्विन, ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो यार ये आएगा हमारे पास t स्क्वायर, ये आएगा dt by dx माइनस का 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा स्विन, t स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा t स्क्वायर dt by dx और ये आएगा माइनस का t स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको उधर लेके जाइए स्विन, ये आएगा t स्क्वायर dt by dx इज इक्वल टू हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ आ जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए, टी अलग हो गया, एक्स अलग हो गया, अब इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आ रही तो आप क्या करेंगे इसमें यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन यार हमारे पास टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे ए स्क्वायर को ऐड कर दीजिए, ए स्क्वायर को यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दीजिए, राइट, इंटू डी टी और इसका इंटीग्रेशन तो हमारे पास एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इसको अलग अलग डिवाइड, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास वन आ जाएगा, जब आप इसके इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, इसमें वन का इंटीग्रेशन जो होगा वो टी होगा माइनस का ए स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन होगा होगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए, इसमें इसका हमारे पास ये इंटीग्रेशन होगा, राइट। इसमें आप देख रहे हो यार ए से हमारे पास कैंसिल हो गया तो ये आएगा टी माइनस वन, आई थिंक टी माइनस ये आएगा हमारे पास ए, है ना, ए ये आएगा टेन इनवर्स टी अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। सुनिए यहाँ पे हम टी की वैल्यू रखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस ए टेन इनवर्स, ये आएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स प्लस ए, इसमें एक्स एक्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा वाई माइनस ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू सी इज द आंसर, इसमें ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर होगा और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन रखा एक्स प्लस वाई प्लस वन डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, ये भी इसी टाइप का है, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस वन को हम टी मान लेंगे, तो इसमें इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का हो जाएगा वन, वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स और वन का हो जाएगा जीरो, तो ये आएगा हमारे पास डी टी बाई डी एक्स, इसमें ये हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास डी टी बाई
डी एक्स माइनस वन, इसमें ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो हम जानते हैं ये आएगा टी, ये आएगा हमारे पास डी टी बाय डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन, इसमें टी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो टी डी टी बाय डी एक्स माइनस का टी इज इक्वल टू वन, इसमें टी उधर जाएगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी टी डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास वन प्लस टी, इसमें टी को डिवाइड कर दीजिए तो टी हमारे पास वन प्लस टी आ जाएगा, डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें वन प्लस टी चाहिए तो हम क्या करेंगे वन को ऐड कर देंगे, वन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप देख रहे हो यार ये वन प्लस टी इधर डिवाइड होगा तो वन माइनस वन प्लस टी आ जाएगा इंटू डी टी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें यहाँ पे आएगा एक्स प्लस सी, हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन टी होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग वन प्लस टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसमें टी की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस वन माइनस लॉग, ये आएगा हमारे पास वन प्लस ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसमें एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास वाई माइनस वन सॉरी वाई प्लस वन लॉग, ये आएगा हमारे पास वन प्लस एक्स प्लस आई थिंक ये टू हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी, सुन ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सुन एक क्वेश्चन और देखिए, सो सुन अगर आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भी इसी टाइप का, देखो एक फंक्शन एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है और सेम है, इसको क्या करेंगे सुन वही सेम लेट एक्स प्लस वाई, इसमें यहाँ पे क्या करेंगे लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो हम जानते यार ये वन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये आ जाएगा डी टी बाय डी एक्स, तो हम जानते हैं यार डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास डी टी बाय डी एक्स माइनस वन, इसमें ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास डी टी बाय डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास साइन टी प्लस कॉस टी हो जाएगा, इसमें वन उधर लेके जाइए तो ये आएगा हमारे पास डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा साइन टी और ये आएगा हमारे पास वन प्लस कॉस टी हो जाएगा, इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए आप चूंकि माइनस उधर गया तो ये हो जाएगा, इसमें ये आएगा हमारे पास डी टी अपॉन यहाँ पे साइन टी आएगा, इसमें साइन टी हम यहाँ पे ले रहे हैं एंड ये आएगा हमारे पास वन प्लस कॉस टी इज इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि वेरिएबल हमारे पास सेपरेट हो चुके हैं राइट। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें डी टी है, ये जो साइन टी है इसमें मैं लिख सकता हूँ इसको टू साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास वन प्लस कॉस टी है, इसको लिख सकते हैं अपन टू कॉस स्क्वायर टी बाई टू राइट। ये हमारे पास वैल्यू होती है, इसका फार्मूला होता है एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स प्लस सी, इसमें एक काम करिए टू तो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे मैं इसमें कॉस स्क्वायर टी बाई टू कॉमन निकालता हूँ, इसमें जब कॉस स्क्वायर टी बाई टू कॉमन निकालेंगे तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा सुनिए हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू और चूंकि हमने कॉस स्क्वायर कॉमन निकाला तो मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं एक कॉस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉस टी बाई टू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तब देखो कॉस स्क्वायर टी बाई टू कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे ये टेन टी बाई टू बन जाएगा, सुनिए क्या बन जाएगा हमारे पास टेन टी बाई टू प्लस वन हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, सुनिए इसको आप यहाँ पे देखेंगे इसको आप कुछ ना कुछ मान लीजिए क्योंकि जैसे आप डिनोमीटर को कुछ मानेंगे लेट मैंने मान लिया टेन टी बाई टू प्लस वन को मैंने पी मान लिया और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो हम जानते हैं ये आएगा हमारे पास सेक स्क्वायर टी बाई टू और टी बाई टू का हमारे पास वन बाई टू हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी पी, तो आप देख रहे हो सेक स्क्वायर टी बाई टू और ये वन बाई टू, इसमें ये हमारे पास क्या बन जाएगा डी पी बन जाएगा, तो आप देख रहे हो यार डी पी बाई पी इज इक्वल टू हमारे पास एक्स प्लस सी, हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगा लॉक पी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसमें पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेन टी बाई टू प्लस वन, तो ये हो जाएगा लॉक वन प्लस ये आ जाएगा हमारे पास टेन टी बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, इसमें हम क्या करेंगे जहाँ पर भी टी है वहाँ पे हम वापस वैल्यू रख देते तो वन प्लस ये आ जाएगा टेन, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक्स प्लस वाई बाय टू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, सुन ये हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा। तो यार इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सो सुन देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे सुन लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी ले लीजिए, हम यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन ये आएगा टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा डी टी बाय डी एक्स, इसमें हमें क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सुन टू को उधर लेके जाता हूँ या सबसे पहले एक्स को डिवाइड कर देता हूँ तो एक्स को डिवाइड करूँगा तो ये आएगा हमारे पास टू वाई बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स डी टी बाय डी एक्स आ जाएगा, इसमें अब क्या करते हैं हम टू को उधर ले जाते हैं और टू को डिवाइड कर देते हैं वापस है ना, तो ये आएगा वाई बाय एक्स डी वाई बाय डी एक्स, सबसे पहले मैं टू को उधर लेके जाता हूँ तो वन अपॉन एक्स डी टी बाय डी एक्स माइनस टू और फिर ये टू से हम डिवाइड कर देते हैं राइट, ये टू यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो सुन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास वन बाई टू, ये आएगा वन अपॉन एक्स डी टी बाय डी एक्स माइनस टू एंड प्लस इसमें यहाँ पे हमारे पास आएगा ये टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन ये आएगा हमारे पास
टू टी सॉरी टी सॉरी तो सुनिए आएगा हमारे पास टी माइनस वन अपॉन टू टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. इसमें एक काम करते हैं इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ टू से इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं राइट. सिंप्लीफाई करेंगे देन इट विल बी गुड फॉर अस राइट. सो वन बाई टू ये आएगा एक्स डी टी बाई डी एक्स. आप देख रहे हो सुनिए यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई होती है माइनस वन हो जाएगा. तो मैं काम करता हूँ इस बाकी सब को उधर लेके जाता हूँ राइट. तो ये आएगा हमारे पास माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस और ये माइनस का हो जाएगा टी माइनस वन अपॉन टू टी प्लस वन हो जाएगा राइट. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार. तो ये आएगा वन अपॉन एक्स डी टी बाई डी एक्स. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे टू टी प्लस वन इसका एलसीएम लेंगे तो सुनिए आएगा टू टी में से टी गया तो टी बचा एंड ये आएगा वन और ये आएगा माइनस में तो आई थिंक ये प्लस हो जाएगा राइट. ये सुनिए हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी जब इसका एलसीएम लेंगे टू टी प्लस वन तो टू टी आएगा टू टी प्लस वन. एक्चुअली मैं कर ही देता हूँ यहाँ पे राइट. तो आप देखोगे जब टू टी प्लस वन यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारे पास टू टी प्लस वन माइनस टी प्लस वन हो जाएगा राइट. तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास नो दिस इज टू टी प्लस वन और माइनस थोड़ा टी एंड ये आएगा हमारे पास टू राइट. ये वैल्यू आएगी. अब इसमें हम वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं राइट है ना. तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ तो ये आएगा हमारे पास टू टी प्लस वन अपॉन ये आएगा टी प्लस टू और यह आएगा डी टी एंड डी एक्स को उधर लेके जाते हैं तो सुनिए टू भी उधर ले लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास टू एक्स डी एक्स हो जाएगा राइट. अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं प्लस का सी हो जाएगा. पर सुनिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि यहाँ पे कैसे हम करें तो सुनिए इसकी ट्रिक होती है और ट्रिक समझने की जरूरत है. तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास टू टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू है. हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है. तो सुनिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास एक नियम होता है अगर तेरह में दो का भाग लगाना है तो हमारे पास क्या होगा तेरह में दो का भाग लगा दीजिए राइट. कितनी बार जाएगा यार छः बार जाएगा. ये बार आएगा ये इसका मतलब छः बार भाग गया अब वन में जाएगा टू का. यार ये हमारे पास तरीका होता है सेम टू सेम तरीका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. सुन टू टी प्लस वन में हम डिवाइड करेंगे टी प्लस टू का तो यार कितनी बार भाग जाएगा टू बार जाएगा राइट है ना. टू बाय वन तो टू बार जाएगा राइट. अब टू को इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा टू टी प्लस फोर. इसमें इसको माइनस करेंगे तो यार ये से ये कैंसिल हो जाएगा ये माइनस थ्री बचेगा. अब इसको लिखेंगे कैसे तो लिखने का तरीका ये कितनी बार भाग गया यार दो बार गया. अब किस में जाएगा इसमें माइनस थ्री में किसका जाएगा यार टी प्लस टू राइट. ये हमारे पास क्या होगा इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा. देखो वही तो करना है छः बार भाग गया अब वन में जाएगा टू का दो बार भाग गया अब माइनस तीन में जाएगा टी प्लस टू का राइट. इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन होता है राइट. तो ये मैं हटा देता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं तो सुनिए हमारे पास आ जाएगा डी टी आ जाएगा एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू थी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का सी. इसका इंटीग्रेशन होगा टू टी माइनस का थ्री. ये आएगा लॉग टी प्लस टू इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस इसमें एक्स हमारे पास टी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का थ्री. ये आएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का सी. सुनिए एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस का थ्री लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का टू इज इक्वल टू सी. हमारे पास क्या होगा इसका आंसर होगा. इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. सो सुन ये आपको क्वेश्चन दे रखा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. ये क्वेश्चन भी हमारे पास रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना और आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए. और सुन इस टाइप के जो वीडियोज हैं जो कि मैं नए लाइक थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ कंटेंट को और जो पुराना कंटेंट उसमें थोड़ा सा चेंज करके लेके आ रहा हूँ तो मुझे लगता है आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा. और मेरी जो लास्ट वीडियोज हैं जो मैंने पहले अपलोड करी है वो आप यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल. और इसमें मेरी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट है जो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ वो भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं. इसमें मेरा जो नया चैनल पर काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं. थैंक यू सो मच वॉचिंग मी. लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि क्या आएगा. धन्यवाद.